Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1980 की इटालियन फिल्म द टेमिंग ऑफ द स्काउंडरल के बारे में, जो विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू से इंस्पायर्ड है। और ये कहानी है एक चिड़चिड़े और खड़ूस किसान की, जो किसी से रिश्ता निभाना नहीं चाहता, पर उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। इटली के एक छोटे से गाँव के क्लब में दो रिपोर्टर्स एक रईस किसान के बारे में जानने आए। वो किसान था एलिया, जो उस गांव का सबसे मशहूर किसान है, और उस दिन उसका 40वां जन्मदिन था। दूसरे किसानों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक चिड़चिड़ा और झगड़ालू आदमी है जिसके कोई दोस्त नहीं। वो सारे लोग एलिया के किस्से सुना सुना कर उसका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने बताया कि एलिया ने गांव के हर इंसान पर केस किया है, यहाँ तक कि उस गांव के जज पर भी केस किया है जो वही मौजूद थे। एलिया किसी को अपने पास तक आने नहीं देता और सिर्फ अपनी नौकरानी के साथ रहता है, जो उसके लिए एक लड़की ढूंढने की कोशिश कर रही है। उन लोगों ने बताया कि एलिया उसी क्लब में मौजूद है और इस वक्त टेनिस खेल रहा है। उस रिपोर्टर को लगा कि वो किसी इंसान के साथ टेनिस खेल रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही एलिया क्लब के अंदर आया, उस रिपोर्टर को समझ आ गया कि जो कुछ उन लोगों ने उसे एलिया के बारे में बताया है वो सब कुछ सही था। वो रिपोर्टर जिस मैगजीन कंपनी के लिए काम करता है, वो एलिया पर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, पर जब उसे बताया गया कि अब तक उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें कही गई है, तो एलिया गुस्से में वहाँ मौजूद लोगों से झगड़ने चला गया। वो कहने लगा कि उन सबको शादी ने बर्बाद कर दिया है, जहाँ शादी की वजह से एक आदमी के सर की खेती उजड़ गई है, तो दूसरा दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है, और एक आदमी आम रेसलिंग चैंपियन भी हुआ करता था, जो अब इतना कमजोर हो गया है कि वो एलिया को भी हरा नहीं पाता। वो कहने लगा कि उसके अकेले रहने की वजह से ही वो फुर्तीला है और इसलिए उसे उन लोगों पर दया आती है। अपने आर्टिकल के लिए इंटरव्यू देकर एलिया वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकला और रास्ते में उसे डॉन शिरिलो मिले, जो एक पादरी और एक बास्केटबॉल कोच भी है। वो उससे कहने लगे कि जल्द से जल्द उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, पर एलिया ने कह दिया कि वो कभी शादी नहीं करेगा। अर्नेस्टो नाम का एक आदमी कौवों को दाने डाल रहा था, जो देखकर एलिया खुश हुआ, पर फिर अर्नेस्टो ने उसे बताया कि वो जहरीले दाने हैं क्योंकि वो कौवे उसके खेत बर्बाद करते रहते हैं। एलिया ने उसे ऐसा करने से रोका और जाकर उन कौवों से बात करने लगा। अर्नेस्टो ये देखकर हैरान हो गया कि वो कौवे एलिया की बात समझकर वहाँ से दूर चले गए, और जाते जाते एलिया ने उससे कहा कि जानवर इंसानों की तरह नहीं होते, वो बातें सुनना और समझना जानते हैं। एलिया हर किसी से बुरा बर्ताव करता है सिवाय उन लोगों के जो उसके लिए काम करते हैं, और वो अपने लोगों को हमेशा खुश रखता है। एलिया की नौकरानी मामी फिर से उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाई, और मामी से पूछने पर उसने कहा कि एलिया को एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। उसने उस लड़की से बात तो की, पर उसकी अजीबोगरीब बातें सुनता रहा, और जब वो लड़की आखिरकार चुप हुई तो एलिया ने उसे परेशान करके वहां से भगा दिया। एलिया के अकाउंटेंट ने उससे कहा कि कुछ लोगों को नौकरी से निकालकर अगर वो वाइन बनाने की मशीन खरीद ले तो उसके कम पैसे खर्च होंगे, और वो मशीन उसके लिए एक बार में इतनी वाइन बनाएगी जितनी तीन लोग एक साथ मिलकर नहीं बना सकते। पर फिर उस मशीन को चुनौती देते हुए एलिया ने यह साबित कर दिया कि कोई भी मशीन उससे या उसके लोगों से ज्यादा तेज वाइन नहीं बना सकती, और उसने अपने अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि वो एक कैलकुलेटर खरीद लेगा जिससे उसके पैसे कम खर्च होंगे। उस दिन तेज बारिश होने लगी और तेज बारिश में उस रात एलिया के घर एक खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की लीसा की गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो चाहती थी कि एलिया उसे बारिश रुकने तक घर में रहने दे, पर एलिया हमेशा की तरह उसे भी अंदर आने से रोकने लगा। जब बहुत देर तक एलिया उससे बहस करता रहा तो परेशान होकर लीसा खुद ही अंदर आ गई। एलिया उसे जमीन पर सोने के लिए कहने लगा, पर मामी ने वहां आकर एलिया को मेहमान से अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा। लीसा को एलिया का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि वो हर लड़की से ऐसे ही बदतमीजी से बात करता है। मामी लीसा को उस रात रहने के लिए गेस्ट रूम में ले गई, और वहां पहुंचते ही उसने कहा कि ये रूम सालों से इस घर में है, पर आज तक किसी को भी इस घर में रहने नहीं दिया गया है, और इसलिए वो खुश है कि आखिरकार इस रूम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लीसा ने अपनी दोस्त रेनाटा और अपने बॉयफ्रेंड वितोरियो को कॉल किया और उन दोनों को बताया कि वो रात उसी घर में गुजारने वाली है। उसने रेनाटा को ये भी बताया कि इस घर का मालिक अजीब है, पर वो लीसा को अच्छा लगने लगा है। मामी ने एलिया से ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहा, पर एलिया अजीबो गरीब कपड़े पहनकर ही लौटा और बिना मेहमान के वहाँ आई ही वो खाना खाने लगा। एलिया को इम्प्रेस करने के लिए लीसा अच्छी तरह तैयार होकर बाहर आई और उसे लगने लगा कि इसका असर एलिया पर हो चुका है, पर एलिया का ध्यान उस पर नहीं, एक तितली पर था। कुछ वक्त बाद लीसा एलिया से बात करने की कोशिश करने लगी, पर उसने जान पहचान करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लीसा फिर भी उसके बारे में जानने की कोशिश करती रही और कुछ वक्त बाद लाइट बंद करके मामी एलिया का बर्थडे केक लाई और केक काटने के बाद लीसा ने एलिया को एक तोहफा दिया, जिसे देखकर वो खुश तो था, पर जल्द ही उसने अपने चेहरे से खुशी हटा दी। लीसा के गिफ्ट को एक ड्रॉअर में रखकर उसने कह दिया कि बारिश बंद हो चुकी है और अब लीसा यहाँ से होटल जा सकती है जो 15 किलोमीटर दूर है। ये बात लीसा को बहुत बुरी लगी और वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। एलिया ने उसे रूम बुक करने के लिए कहा, पर होटल की जगह लीसा ने एक गैस स्टेशन पर कॉल किया और रूम बुक करने का नाटक करती रही, जिसके बाद उसने ये कह दिया कि होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है और ना चाहते हुए भी एलिया को उसे घर में रात बिताने की इजाजत देनी पड़ी। लीसा टीवी देखना चाहती थी और इसलिए अपने साथ वो एलिया को टीवी देखने ले गई। तब लीसा को पता चला कि कॉमेडी देखकर भी एलिया को हंसी तक नहीं आती, बल्कि वो लोगों को गिरते पड़ते देख रोने लगा। पर कुछ देर बाद जब लीसा बाहर जाते हुए सीढ़ियों से गिर गई, तो एलिया उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। लीसा एलिया के करीब आने की कोशिश करती रही, पर उसने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जैसा लीसा चाहती थी और इसी तरह पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह एलिया लीसा की कार ठीक करने लगा और कार ठीक होते ही वो लीसा को नींद से उठाने गया। वो कहने लगा कि अब लीसा अपने घर जा सकती है, पर लीसा ने ये कह दिया कि उसे पैर में चोट लगी है और इसलिए वो चल नहीं सकती। उसके बहाने सुनकर एलिया बिना वक्त गवाए अपने घर से थोड़ी दूर रह रहे अर्नेस्टो के घर गया और ये जानते हुए भी कि अर्नेस्टो को निमोनिया है, वो उसके घर पर उथल पुथल मचाने लगा और टेलीस्कोप लगाकर लीसा के झूठ को पकड़ने लगा। और जैसा एलिया ने सोचा था, लीसा का झूठ पकड़ा गया। बिना अर्नेस्टो की परवाह किए वो वापस अपने घर चला गया और लीसा का सामान उसके सामने रख के वो लीसा को बेड से ही घसीटते हुए अपने घर से बाहर ले गया। और सारे गांव वालों के सामने उसे छोड़ आया। लीसा उसे गालियां देते हुए वहां से चली गई और एक गैस स्टेशन पर रुकी, जहां काम कर रहे लड़के को लगने लगा कि लीसा उसे गालियां दे रही है और बिना पेट्रोल भरवाए वो वापस एलिया के घर जाने लगी, जिसके बाद गैस स्टेशन पर काम कर रहा लड़का इतना परेशान हो गया कि उसने गैस स्टेशन ही बंद कर दिया। एलिया के सामने जाते ही लीसा ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर गांव वाले खुश हो गए और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। पर जल्द ही लीसा शांत हो गई और कहने लगी कि वो एलिया से प्यार करने लगी है। जब एलिया ने कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता, तो लीसा को बुरा लग गया। जब वो वहाँ से जाने लगी, तो एलिया ने उससे कहा कि उससे प्यार करना लीसा के लिए आसान नहीं होगा और वो इस गाँव की जिंदगी किसी किसान के साथ बिता नहीं पाएगी। लीसा ने उससे कहा कि वो सारी तकलीफों से लड़ लेगी और फिर एलिया ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने लिए काम करने की इजाजत दे दी। इस बात से लीसा और मामी दोनों खुश हो गए और मामी को लगने लगा कि आखिरकार एलिया की जिंदगी बदलने वाली है। अगले ही दिन से लीसा का काम शुरू हुआ। पर एक किसान का काम उसके लिए जरा भी आसान नहीं था। वो बुरी तरह थकने लगी और काम करते करते उसका शरीर भी टूटने लगा, पर मामी उसका ध्यान रखती रही। एक रात लीसा ने बेहतर महसूस करने के लिए ड्रग्स मांगे, जिसे बिना वक्त गवाए एलिया लेने चला गया और ड्रग्स मिलते ही लीसा को बेहतर महसूस होने लगा। पर फिर उसे पता चला कि जो सिगरेट वो पी रही थी उसमें ड्रग्स नहीं, सब्जी थी
और ये सुनते ही लीसा गुस्से में चीजें फेंकने लगी, जिसके बाद वो दोनों ही कमरे में पड़ी चीजें एक दूसरे पर फेंकते गए। और मामी को खुशी होने लगी क्योंकि ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। कुछ वक्त बाद एलिया लीसा को लेकर 35 किलोमीटर दूर एक डिस्को में गया, जहां वो दोनों सोते रहे क्योंकि वो दोनों ही अपने काम से थक चुके थे। एलिया गांव में जानवरों को बचाने के लिए जाना जाता था और वो जानवरों का शिकार करने वाले लोगों की बंदूकों का शिकार करता था। इस बात से लीसा को बहुत खुशी हुई, पर अब भी एलिया उसे अपने करीब नहीं आने दे रहा था। लीसा को गांव की जिंदगी जीना आ चुका था और एक दिन वो एलिया को शहर के एक रेस्टोरेंट में ले गई, जहां वो वेटर से ही बहस करने लगा। कुछ वक्त बाद उसी रेस्टोरेंट में लीसा की दोस्त रेनाटा आ गई और उन दोनों के पास आकर बैठ गई। रेनाटा एलिया के साथ फ्लर्ट करने लगी और इस बात से लीसा के साथ साथ एलिया भी परेशान हो गया। और फिर रेनाटा और लीसा के बीच हाथापाई होने लगी, जिसे देखकर एलिया एंजॉय करने लगा। जब रेनाटा का बॉयफ्रेंड एलिया से झगड़ने की कोशिश करने लगा तो एलिया ने उसे बुरी तरह पीट दिया और लीसा और एलिया दोनों ही उसे पीट कर वहां से हंसते हुए निकल गए। लीसा ने फिर से एलिया के करीब आने की कोशिश की, पर हमेशा की तरह वो नाकामयाब रही और एलिया ने उसकी गाड़ी की चाबी फेंक दी, जिसे ढूंढने का काम भी लीसा को ही दिया गया। चाबी ना मिलने की वजह से उन्हें लिफ्ट लेने की जरूरत पड़ गई। जब लीसा ने लिफ्ट लेने की कोशिश की तो उसकी जगह एक आदमी ने एलिया को लिफ्ट दे दी और कुछ देर बाद लीसा को जानवरों के साथ बैठकर घर वापस आना पड़ा। लीसा अब भी एलिया के करीब जाने से पीछे नहीं हट रही थी, पर एलिया का बर्ताव उसे इतना बुरा लगा कि उसने वितोरियो को कॉल किया और उससे कहा कि वो उसे लेने आ जाए। पर जब वितोरियो ने ये तक नहीं पूछा कि इतने दिनों तक वो कर क्या रही थी, तो लीसा ने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह एलिया शहर जाने वाला था और इसलिए लीसा उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर एलिया ने उसे रोक दिया और कुछ वक्त बाद वहाँ वितोरियो आ गया और लीसा उसके साथ अपने घर लौट गई। लीसा के जाते ही पहली बार एलिया को किसी के जाने से तकलीफ हुई और उसे एहसास हुआ कि वो भी लीसा से प्यार करता है। वो अपनी तकलीफ चीजें तोड़कर बयान करने लगा और तब उसे लीसा का तोहफा मिला, जो मिलते ही उसने तोड़ भी दिया। मामी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़कर एलिया ने उसे घर से निकाल दिया, इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और कहा कि वो एक पत्थर दिल आदमी के घर नहीं रह सकती। मामी के जाने पर एलिया ने अपने कुत्ते से पूछा कि वो दोनों अकेले रहकर खुश रहेंगे या नहीं, और जब जवाब में उसे ना सुनाई दिया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। अगली सुबह वो फ्लाइट से शहर गया, जहां उसे डॉन चिरिलो का मैच अटेंड करना था, और फ्लाइट से उतरकर जब अपनी साइकिल लेकर वो स्टेडियम पहुंचा तो उसे लीसा वितोरियो के साथ दिखाई दी। जब लीसा ने एलिया को देखा तो वो खुश होने का नाटक करने लगी। डॉन चिरिलो की टीम बुरी तरह हार रही थी और इसलिए उनकी टीम की तरफ से एलिया खेलने लगा और देखते ही देखते उसने पूरा गेम पलट दिया। एलिया को खेलते देख दूसरे लोगों के साथ साथ लीसा भी इम्प्रेस होने लगी और एलिया की वजह से डॉन चिरिलो की टीम मैच जीत गई। एलिया इस बात से खुश तो था, पर उसने किसी को भी अपने करीब आने नहीं दिया। अंत में एलिया लीसा के पास गया और सबके सामने उसने लीसा से कहा कि वो उससे प्यार करता है और जल्द ही शादी करके वो लीसा को अपने घर ले आया, जिसके बाद एलिया के घर के दरवाजे हमेशा के लिए दोस्तों और मेहमानों के लिए खुल गए और आखिरकार लीसा ने एलिया को बदल ही दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।